यूक्रेन में फंसे भागलपुर के छात्र शुभम सम्राट ने वीडियो जारी कर सरकार से मदद की अपील की। यूक्रेन में फंसे भागलपुर के छात्र शुभम सम्राट ने अपना हॉस्टल दिखाते हुए वीडियो साझा किया है, साथ ही रूह कपा देने वाली स्थिति को बताया है। डर के माहौल में जी रहे शुभम ने वीडियो के जरिए बताया कि रात में हॉस्टल खाली कराकर सभी छात्रों को बेसमेंट में ले जाया गया, सभी लाइट को बंद करवा दिया गया ताकि पता नहीं चले कि यहाँ कोई है। साथ ही सूचित किया गया कि उसका इलाका रेड जोन में है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सरकार से अनुरोध है हम भारतीयों को भारत लाने के लिए कुछ करें। बता दें कि शुभम भागलपुर के सुल्तानगंज के कटहारा निवासी मनोज सिंह का पुत्र है। पिछले वर्ष मार्च महीने में MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया हुआ था। वहां टेर्नोपिल शहर के टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर, देखते रहे कानूनी जंगल। मैं शुभम सम्राट बिहार से यहाँ यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ, पर पिछले कुछ दिनों से रसिया और यूक्रेन के विवाद के कारण यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। परसों जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि 6 जगह अटैक हुआ था, एयर स्ट्राइक्स, तो उसके वजह से बहुत स्थिति ख़राब हो गई थी। कल देर रात हमें न्यूज़ आया कि हमारा सिटी टर्नोपिल भी रेड जोन में आ गया है और यहाँ भी कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे की